आजकल उसका हाथ बहुत खुल गया है सर। छोटे लाल, सामने के गांव से शराब की बोतल ले आना। बहुत ताकत है ना तुझमें? क्या हुआ सर? बहुत चर्बी चढ़ गई है। बोलिए तो सही, बहुत गर्मी हो गई तुझमें। पुलिस हाथ उठाता, पुलिस हाथ उठाता, तो उठा के नहीं करता। बहुत लाड़ में आ गया साले, बहुत चर्बी चढ़ गई तेरे में। दिखा तेरी बॉडी, दिखा पुलिस वाले की भी बॉडी। देखा, देख ये देख पुलिस वाले की बॉडी, देख पुलिस वाली की ताकत भी दिखा था। बहुत लोगों को मारा सुने, इन्हीं हाथों से मुन्ना को मारा था सुने, इन्हीं हाथों से। चल बता, देखा कितनी ताकत है तुझ में? देखा, देखा साल याद आ गई। पुलिस से पंगा लोगे तो नानी भी याद आ जाएगी। लो बाहर खड़े, चलो उठो उठो उठो, दूध पियो, चलो उठो। सांप को दूध पिला रहे हो सरकार? उस इंसान को जो सांप बनने की कोशिश कर रहा है। कम ऑन पियो। आपका भी स्टाइल है सरकार, कभी ये तो कभी ये। वाह मल्लू,
मैं भी तुम्हारे दिमाग और हिम्मत की कदर करता हूं। काश तुम मेरे भाई होते तो मैं तुमसे ये पूछता कि क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि तुम क्या कर रहे हो? विदेशी दुश्मनों के हथियार बनकर तुम अपने ही देश, अपनी ही चरणनी, अपनी भारत मां के सीने में छुरा भोंक रहे हो। अब आपने मुझे भाई कहा है तो मेरे दिल की बात भी सुन लीजिए। देखिए, आप रहे सरकारी अफसर, इसलिए अपने देश और भारत माता के बारे में बात तो करेंगे ही, लेकिन कितने सरकारी अफसर हैं, नेता हैं, जो भारत माता के बारे में नारे लगा लगा कर अपनी जेबें भरते हैं, गरीबों पर गोलियां चलाते हैं, उनके मुंह से रोटी छीनते हैं। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है साहब। कुछ लोगों की बेईमानी को तुम अपनी गद्दारी का बहाना बनाकर गलत को सही नहीं साबित कर सकते बल्लो। जो गलत है सो गलत है। गलत या सही ये तो अपना अपना ख्याल है राम बाबू। आपके ख्याल में मैं खलनायक विलन, मेरे ख्याल में आप खलनायक विलन। आपकी भक्ति और भगवान आपका देश, आपकी सरकार, मेरी भक्ति और भगवान मेरा गिरोह, मेरा मालिक। नायक नहीं खलनायक हूं मैं। क्या सोच रहे हैं राम बाबू? सोच रहा हूं कितना जहर भर दिया किसी ने तुम्हारे दिमाग में। वो शैतान कितना खतरनाक आदमी होगा इसका एहसास मुझे आ चुका है। मैं कसम खाकर कहता हूं बल्लू, मैं तुम्हारे मुंह से गलवा के रहूंगा, खत्म कर दूंगा सारे को। तो फिर मेरी भी चेतावनी सुन लीजिए राम बाबू। जिसे आप राक्षस कहते हैं उसे मैं गुरु मानता हूं, और उस गुरु की कसम आज से ठीक 5 दिन बाद मैं आपकी जेल से भाग जाऊंगा। 10 अक्टूबर 10 बजे पल्लू आपकी जेल से गायब, क्योंकि मुझे कसम है अपनी मां की। जेल से भागकर तुम उस शैतान से मिलोगे, यह हसरत तुम्हारी कभी पूरी नहीं होगी। और अगर तुम भाग गए तो राम सिन्हा अपनी दुनिया, अपना सुख चैन, अपना सब कुछ भूल जाएगा। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद होगा, तुम्हें वापस यहां लाना, यहां जिंदा या मुर्दा। दस अक्टूबर रात के 10 बजे मैं आउट। बंदोबस्त करके रखना। बंदोबस्त? कोई बंदोबस्त करने की जरूरत, वो सिर्फ धमकी दे रहा है। धमकी? ऑल इन द फैमिली राम, मेरी जेल की दीवारें कमजोर है, ताले कमजोर है, मैं कमजोर हूँ। अगर वो 10 अक्टूबर को भाग गया तो मेरी नौकरी, मेरा घर, मेरी बीवी तक मुझे छिन जाएगी। मैं कैसे छिनूंगी जी? वो ऐसे कि तुम्हें जेल से आए हुए मुफ्त अनाज, प्याज और घी खाने की आदत पड़ गई है। छोटे लाल वर्मा से कह दो कि 9 अक्टूबर से पहले जेल की दीवारें, ईंटें, सलाखें, कोना कोना मजबूत कर दिया जाए। ये मेरा हुक्म है। डे एंड नाइट लेट्स फाइट। Thank you.
पल्लू भाई, आज 11 अक्टूबर रात के 2 बजे ये लोग आपके भागने का इंतजार कर रहे हैं। मैं ये समझता था कि आप लोगों को अपनी काबिलियत और दिमाग की वजह से यहां रखा गया है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि एक कैदी की एक कसम को आप लोग इतनी गंभीरता से ले लेंगे। मतलब पांडे जी, आप लोगों ने मुझे इतना मारा, मेरी नींदें हराम कर दी आप लोगों ने। सो मैंने सोचा कि आप लोगों की नींदें कैसे हराम करूं। मुझे मौका मिला और मैंने आपको भाग जाने का चैलेंज दिया और आप उस चैलेंज में आ गए और 5 दिन तक काम पर लग गए। आप काम करते रहे और मैं सुत्ता रहा। मुबारक। नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ओ खलनायक जी। कहो खलनायिका। ये बताइए कि टीनी की शादी की बात आप राम से कब करेंगे? करूंगा। करेंगे क्या, खाक करेंगे? उधर राम गंगा से फोन पे बात कर रहा है ना। सिर्फ छिनाल चुड़ैल, तूने मुझे कुत्ते छिनाल चुड़ैल का। मैं जोसेफ बोल रहा हूँ सर। हाँ जोसेफ, मैं राम सिन्हा बोल रहा हूँ। गंगा को जरा फोन पर बुलाना। सर वो यहाँ पे नहीं आ सकती सर। हाँ फोन वहाँ पे जरूर जा सकता है। ये देखो ये जा रहा है। कुत्ती छिनाल ये औरत बोलती है मुझे। कुत्ती छिनाल चुड़ैल, ये तो पुराने जमाने की गालियां हैं। हाय राम, कैसी औरत है आप भाई? ऐसी औरत हूँ मैं, और अगर ज्यादा गुस्सा दिलाए ना तो उल्टा लटका दूंगी। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है जो एक दूसरे के बाल नोचते फिरो। क्या है मैडम? फोन। कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। मर गई गंगा, बह गई गंगा। सुन लिया सर आपने? हाँ हाँ सुना। तो होल्ड ऑन कीजिए सर, वो जरूर आएंगी। वो खुद ही आएंगी सर। क्यों आऊंगी मैं? खुद क्यों आऊंगी? नौकरानी समझ रखा है क्या? राम साहब की आंखों में आंसू है। क्या है इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? 10 दिन हो गए ना फोन किया, ना आता ना पता। ड्यूटी? हाँ मालूम है, ड्यूटी। मैं भी तो ड्यूटी करती हूँ। ड्यूटी में फोन के रखो, बांध के रखो हराम की जनियों को। अच्छा सुनो। क्या क्या सुनूं मैं? मैं खड़े रहो। लो बाबा खड़े हो गए। गंगा मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। हेलो गंगा बेटी, मैं मामा बोल रहा हूँ। पहला गुमा जीते रहो। ऑल इन द फैमिली। वो राम बहुत परेशान है बच्ची। यू इडियट। इडियट नहीं मामा जी, आप नहीं, वो यहाँ पीछे हवलदार खड़ा था ना, वो बदतमीज। वो आ रहा है तुमसे मिलने नासिक में आ रहा है आज शाम को ही। मामा उनसे कहिए कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी आज रात को मैं मेरी सहेली आशा की शादी में जा रही हूँ। जी हाँ आज रात को शादी, तो डंडे पड़ेंगे ना। तो तुम्हारे लिए है। हेलो गंगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो कुछ भी कहना यहाँ आकर कहो। मैं आज शाम को। गंगा आ गई तू, बड़ी देर कर दी। मंदिर से आते आते देर हो गई मौसी। आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तुम्हारी गंगा। क्यों न लगे, आज हमारी सहेली आशा की शादी जो है। क्यों नहीं, शादी की शान हो तुम सब सहेलियाँ। अरे गंगा आज कोई नाच गाना होगा ना तुम्हारा? मैं क्या मौसी, नाच गाने की गुरु तो हमारी चंपा दीदी है। अरे गाँव गाँव में नौटंकी लेकर जाती है, और नृत्य वो तो मैंने इनसे ही सीखा है। सीखा ऐसा सीखा कि इस बार तो पुलिस का गोल मेडल ही जीत ले गई। गंगा के राम जी आ गए। कहाँ? वहाँ।
दीदी मैं तो चली। अरे सुन तो, चलो आज उन्हीं को पकड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। गंगा कहाँ है? गंगा तो यहाँ नहीं है। जी हाँ नहीं है। मैं जानता हूँ वो यहीं है। देखो मत मजाक मत करो, मुझे जल्दी वापस जाना है, अगर नहीं बताओगे तो मैं चला जाऊंगा। अरे सुनो 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 सुनो, जरा ढूंढना पड़ेगा। क्या मतलब? आओ मेरे साथ अमीना। किधर ले जा रही? कहाँ है? आप यहाँ बैठिए, हम उसे ढूंढ के लाते हैं। देखिए मुझसे मजाक मत कीजिए, मुझे वापस जाना, मुझे जल्दी जाना है। अरे ये बात ठीक नहीं है राम, तुम आते हो जाते हो, गंगा को लोगों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। क्या बातें बुआ? यही कि राम 5 साल में इतनी तरक्की कर गया कि अब क्या गंगा से शादी करेगा, गंगा तो बस एक रखेल बनकर रह गई। बुआ? क्या बुआ? गंगा की माँ बचपन में मर गई, बाप को हथियारों ने मार डाला, दर दर की नौकरियां करके बुआ की चौखट पे पड़ी है। कब तक रहेगी? याद रखो बेटा, एक वक्त के बाद मैके में बैठी जवान लड़की तभी अच्छी लगती है जब उसकी मांग में सिंदूर भरा हो। अब ये तुम्हें सोचना है राम, मुझे नहीं। बुआ की बातों का बुरा नहीं मानना, अस्पताल में काम करते करते सठिया गई हैं। बुआ ठीक ही कह रही, अगर सिंदूर लगाना ही शादी है तो ये सिंदूर मैं आज ही लगाऊंगा और अभी। राम कह देना सबसे कि गंगा राम की सीता आज के बाद हो गई। मिस्टर राम कुमार सिन्हा, आपके लिए यहाँ के पुलिस स्टेशन में एक मैसेज है। क्या? मुजरिम बल्लू बलराम जेल से भाग गया है। भाग गया कि जिस हवलदार को तुम उसे रोज रात को दूध पिलाने की ड्यूटी देकर गए थे उसने उसी का गला दबा दिया और फिर उसकी वर्दी पहनकर चुपचाप रात के अंधेरे में निकल गया। बल्लू सरकार की जेल से बाहर आ गया है, ये रोशी महंता की बिल्लियां हैं। बल्लू बाहर आ गया। इकबाल रोशन, बल्लू की हिफाजत का फौरन इंतजाम करो। बल्लू बलराम जेल से भाग गया, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप मिस्टर राम सिन्हा? या पुलिस फोर्स या जेल के कर्मचारी? आपके रहते हुए खतरनाक। हमें हमारा काम करने दीजिए, वक्त आने पर हम सब बताएंगे। डूब मरना चाहिए पुलिस विभाग को और आपको भी। मिस्टर राम कुमार सिन्हा, क्या सरकार आपको निकाल रही है? बात आप सरकार से पूछिए। मिस्टर राम सिन्हा, क्या ये सच नहीं कि जिस दिन बल्लू जेल से भागा उस दिन आप अपनी माशूका की बाहों में झूल रहे थे? प्लीज कीप योर माउथ शट, मुझे अपने ड्यूटी का पूरा एहसास है, मेरी निजी जिंदगी पर आक्रमण करने का आपको कोई अधिकार नहीं। कलम का नाचा इस्तेफादा उठाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्रेस वाले का गला पकड़ा आपने? प्रेस वाले को छुआ? हाथ उठाया प्रेस को? This is an assault. राम सिन्हा मुर्दा, 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 राम सिन्हा मुर्दा। हम बर्बाद हो गए, वो हरामी भाग गया और राम का सर्वनाश कर गया। राम का सर्वनाश कोई नहीं कर सकता मामा, बल्लू को मैं पकड़ कर लाऊंगी। तुम? हाँ, तुम ला सकती हो, तुमने पहले भी कई गुंडों को पकड़ा है। गंगा प्यार की खातिर चढ़ जाओ सूली।